वक्त्रं क्वते सुरनरो रघुनेत्रहारे निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलंकमलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडुपलाशकल्पम्। इस श्लोक का अर्थ चल रहा था, प्रभु का मुख निर्दोष अतिशय सुंदर, उस मुख के अवलोकन की महिमा, उस मुख को देखने की विशेषता, विशेषता प्रभु की है, मुख की है, उसे देख करके देखने वाला भी बहुत कुछ पा जाता है। हे प्रभु, कहाँ आपका मुख जिसे स्वर्ग के देव, मनुष्य और नागेंद्र जब देखते हैं तो उनके नेत्रों का भी हरण हो जाता है। कैसे हैं आप अथवा कैसा है आपका मुख? निःशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम्। आपका मुख उपमातीत है, उपमा से ऊपर हट करके है। तुलना उसकी की जा सकती है जब उन जैसे कुछ और भी जीव हो, उस जैसी और भी कोई वस्तु होती है, तब तुलना की जा सकती है, उपमा दी जा सकती है। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड कंपैरिजन होते हैं, जिनकी हम उपमा दे ही नहीं सकते, जो यूनिक होते हैं, अनुपम होते हैं। यूनिक यानी अल्टीमेट, अपने आप में जो एक ही होता है, उससे मैच करने वाला कोई और है ही नहीं। जब कोई दूसरा है ही नहीं अथवा उस जैसी कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं है, तो फिर कैसे हम उपमा दे दें? जो दूसरे चरण में कहा गया है, निःशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम्। निःशेष का अर्थ है समस्त, जगत त्रितय तीनों जगत, और निर्जित यानी जिन्होंने जीत लिया है। जिसने तीनों जगत को जीत लिया है, यदि हम प्रभु का विशेषण बनाएं तो भी चल सकता है, और दूसरा उपमा का भी विशेषण बना सकते हैं। निःशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम्, यानी यह उपमा है ही नहीं इसकी जैसी, संपूर्ण जगत से जीत लिया है तीनों जगत की उपमाओं को जिसने, यानी उस उपमा ने समस्त उपमाओं को ही जीत लिया है, अथवा उस जीव ने समस्त लोक को जीत लिया है, इस कारण उसे ऐसी उपमा मिली। समझ में आ रहा है? दो तरीके से कहा जा रहा है। इस श्लोक का अर्थ थोड़ा समझने की कोशिश करें। आचार्य प्रवर क्या कह रहे हैं? वक्त्रं क्वते सुर नर उरग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम्। यदि हम उपमा का विशेषण बनाएं तो उपमा कैसी है? निर्जित जगत त्रितय उपमा, यानी तीनों ही जगत की उपमा को जीतने वाली है। एक ये दृष्टिकोण हो सकता है, और एक दूसरा दृष्टिकोण, जिन आदिनाथ प्रभु को प्रभु ने तीनों जगत को जीत लिया है, समस्त जगत को जीत लिया है, उनकी उपमा और कोई हो ही नहीं सकती। लगभग एक ही जगह आ रही है बात।
क्यों प्रभु का मुख इतना सुंदर है, जो देखता है उनके नेत्रों का हरण हो जाता है। अब इस कारण को हम पकड़े, यह तो बता दिया है कि प्रभु का मुख इतना सुंदर है कि उनके नेत्र कहीं और टिकते ही नहीं, वहीं रुक जाते हैं अथवा उनका हरण हो जाता है। लेकिन क्यों है, प्रश्न उठाना सीखा करो अपने आप से, तो विषय और अच्छे से क्लियर होता चले जाएगा, हम गहराई में प्रवेश करते चले जाएंगे। लेकिन व्यक्ति लोग प्रश्न, आप लोग प्रश्न नहीं उठाते हो, चिंतन करने का तरीका बता देते हैं, गहराई तक पहुंचने का तरीका बता देते हैं। कोई भी हम स्वाध्याय करें, भक्ति पढ़ें, स्तुति पढ़ें, श्लोक पढ़ें, वो तो उन्हीं शब्द, उन्हीं 8-10 शब्दों, अच्छा 32 अक्षरों को लेकर अथवा 56 अक्षर को लेकर के रचा जाएगा। लेकिन कितने एंगल उसमें से निकल सकते हैं, उन एंगल को हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत इजीली गहराई तक प्रवेश करते चले जाएंगे। यहाँ क्या कहा जा रहा है, सामान्य से यही अर्थ लिया जाता है, हर व्यक्ति यही लेता है कि प्रभु का मुख इतना सुंदर है कि दृष्टि कहीं हटती ही नहीं उनकी ओर से, जो देखता है तो वह देखते ही रह जाता है और कहीं देखना वो चाहता ही नहीं। सामान्य से यही प्ररूपण किया जाता है। जब आप इसका शब्दार्थ पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, यही लिखा हुआ मिलता है ना, प्रभु के मुख की विशेषता। नमोस्तु महाराज। हाँ, तो इतनी सुंदरता कैसे प्राप्त कर ली प्रभु? हाँ, अब प्रश्न उठाओ, अब इतनी विशेषता उन्हें क्यों मिली? हाँ, क्यों उनका मुख इतना सुंदर हो गया? बाकी और किसी का क्यों नहीं होता है? तीनों ही लोक में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, आप जैसी उपमा कोई है ही नहीं, यानी आपके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, और कोई है ही नहीं जिससे हम आपकी तुलना कर लें। तो कुछ तो विशेषता है उस जीव ने की होगी, उन प्रभु ने कुछ ऐसी साधना की है इस कारण उन्हें वह रूप मिला है। क्यों मिला, वो क्या किया उन्होंने ऐसा? अब उसका चिंतन करो, केवल ज्ञान का अतिशय, क्या केवल ज्ञान का क्या अतिशय होता है? नहीं, उसमें नहीं आएगा, उनके कर्म होंगे उनके ऐसे, जन्म के अतिशय जो आते हैं, नित्यं निषेधत्वं निर्मलता क्षीर गौर रुद्रत्वं च स्वाद्याकृति संघनने सौरूप्यं सौरभं च सौलक्ष्म्यं, ये भक्त प्रभु के 10 अतिशय जन्म के हैं, स्वेद से रहित, मल से रहित, सुंदर आकृति, सुंदर शरीर, समचतुरस संस्थान। समचतुरस संस्थान बहुतों को मिलता है, ऐसा नहीं है कि उन्हीं को मिल रहा है, लेकिन इनका जो समचतुर संस्थान होता है वो कुछ अलग ही होता है। समचतुरस का मतलब क्या, प्रपोर्शन में शरीर के सभी अंग होना, प्रॉपर प्रपोर्शन में जितने होना चाहिए। लेकिन तीर्थंकर भगवान की एक विशेषता है, प्रपोर्शन में तो होते हैं लेकिन उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्हें फैसिलिटी मिल जाती है, जो अन्य जीवों को नहीं मिलती, शलाका पुरुष को बहुत सारों को मिलती है लेकिन तीर्थंकर को सिर्फ एक यूनिक मिलती है, बाकी और किसी को नहीं मिलती। तो क्यों मिलती है, वही प्रश्न है। एक दिन हमने आपको कहा भी था, भक्ते है सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप मिलता है, अरहत भक्ति, आचार भक्ति, बहुसुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, चार भक्ति, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भक्ति। भक्ति तो सभी लोग कर रहे हैं,
आप भी करते हैं, अपन भी करते हैं, दुनिया के हर प्राणी प्रभु की भक्ति करते हैं। लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जीव है वो कुछ अलग ही प्रकार से करता, अलग ही प्रकार से करेगा। मात्र रूप ही नहीं वह शक्ति भी, प्रतिमा बहुत सुंदर बनी हो लेकिन अंदर का ढांचा ठीक नहीं हो, जिस स्टोन से बनी हो वो स्टोन प्रॉपर पावरफुल नहीं हो तो थोड़ी दिन बाद वह क्षरण को प्राप्त हो जाती है। तो सुंदरता भी कहीं ना कहीं उस बल पर डिपेंड करती है, उसकी लाइफ पे, पत्थर की पाषाण की लाइफ पे भी डिपेंड। तो एक वो भीतरी बल भी उन्हें प्राप्त होता है, उत्तम सहनम होता है और एक वो बल भी होता है। क्यों कैसे मिला? वैया वृत्ति के गुण के माध्यम से। क्यों भीम को वह 10,000 हाथियों के बराबर बल वाला शरीर मिला? क्यों मिला? पूर्व भाव में उस जीव ने बहुत वैया वृत्ति की, गांव के प्रत्येक व्यक्ति की वो वैयावृत्ति करते थे, ढूंढ ढूंढ कर पात्र खोज खोज करके वैयावृत्ति करते, इतनी सेवा करते थे। और जिस समय उन्हें वैयावृत्ति के लिए पात्र नहीं मिलता था तो बहुत उदास हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, अपने आप को कोसते थे कैसा मेरा कर्म का उदय है कि आज हमें कोई पात्र नहीं मिल पाया सेवा करने के लिए, वैयावृत्ति करने के लिए। एक बात आप लोगों से पूछे, जब आपको शोर सूतक लग जाता है 10 दिन अथवा 12-13 दिन की छुट्टी मिल जाती है पूजन से, अभिषेक से, मंदिर में, इधर सही सही बताना, उन 10-12 दिन में आप क्या सोचते हैं? बढ़िया आराम से सोएंगे है ना, अब तो रिलैक्स। हाँ, जो काम बाकी है, अब 10 दिन बहुत पर्याप्त टाइम मिलने वाला है, खूब अच्छे से काम कर ले, है ना। कहीं खुशी होती है कि अंदर ही अंदर पीड़ा होती है, 10 दिन तक मैं प्रभु की पूजा वैसे नहीं कर पाऊंगा, कि खुशी होती है अब 10 दिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। सही सही बताना, अंदर की बात बताना क्या होता है। कई लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, हाँ 10 दिन का थोड़ा रेस्ट हो गया, बोले थोड़ा एक ब्रेक मिल गया। रोज सवेरे से 6 बजे उठ करके मंदिर जाना पड़ता था, पूजन करना पड़ता था, 2 घंटे देना पड़ता था, अब थोड़ा सा ऑफिशियली छूट मिली, बोले हमें हमारा नियम तो है लेकिन हमें ऑफिशियल परमिशन मिल गई है कि हम 10 दिन तक कुछ नहीं करें। तो उस समय मन में थोड़ी सी प्रसन्नता की भावना पैदा होती कि दुख की भावना पैदा होती, बताना था सही सही बताना, अंदर क्या भाव पैदा होता है? होना तो दुख की चाहिए लेकिन होता क्या है पैदा, यह कौन सा भाव पैदा होता है, यह हम पूछ रहे हैं। थोड़ा सा आराम से लगता है ना, हाँ बहुत थक गए, आराम लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता कि दुख होता है, पीड़ा होती है। कितने लोगों को पीड़ा होती है सूतक और शोर में, हाँ शोर और सूतक में पीड़ा होती है, वो सारे कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो प्रतिदिन कर पाते थे। और कितनी भी प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता मतलब बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा सा लगता है, हाथ पर सुस्ता लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा लेट उठेंगे, अब 8-10 दिन है ठंड के समय। दूसरा उदाहरण पूछते हैं, सुनो बारिश बहुत तेज आ रही है और उस समय आप नहीं जा पा रहे हो पूजा करने, लगातार बारिश 3 घंटे तक झमाझम बारिश ही आ रही, नहीं जा रहे हैं, क्या हो जाता है? दुख होता कि खुश होत जाते तो हैं, लेट हो जाए। पकड़ने की कोशिश करो अपने भावों की, हम ये कहना चाह रहे हैं,
तो भीम को पर्णा पुराण ग्रंथ को जब वो पूर्व भव में थे उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी जब कोई पात्र नहीं मिलता था। आज हम किसी की वैवर्ति नहीं कर पाए, किसी के लिए औषध दान नहीं दे पाए, किसी की सेवा नहीं कर पाए तो पीड़ा होती थी। यानी अंदर अंदर वो भाव हमेशा बना रहता था और उस समय जब बड़ी प्रसन्नता होती थी जब कोई पात्र मिल जाता था। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज का दिन बड़ा धन्य हो गया कि मैंने ये कार्य कर लिया। ये भावना भीम की, पूर्वभव की, ऐसा विचार बार बार ऐसा विचार और उसका परिणाम अगले भाव में 10,000 हाथियों के बल के बराबर उनको शारीरिक बल मिला था। देखना, उसी भाव में अन्य भी जीव थे, तद्भव मोक्षगामी, युधिष्ठिर भी थे, अर्जुन भी थे और भी रहे, लेकिन युधिष्ठिर को वो बल नहीं मिला, वो काया नहीं मिली, वो भी उसी भाव से मोक्ष गए, समझना। और भीम भी उसी भाव से मोक्ष गए। क्यों? तो जो संस्कार बना है पूर्व का, वैयावृत्ति का, बस ऐसा ही संस्कार तीर्थंकर जीव का रहता है, ये संस्कार उनके भक्ति का रहता, समर्पण का रहता है, श्रद्धा का रहता है। जितना गहरा संस्कार रहेगा, जितनी गहरी श्रद्धा की भावना रहेगी, जितना गहरा समर्पण रहेगा, उतना ही वो फलेगा आने वाले समय में। के लिए पात्र खोजा जाता है बार बार, उसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य जैसे पात्र होते हैं उसके अनुरूप वो फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही नहीं हो जाता, खोजना पड़ता है चला करके। हम इंतजार ना करें कि जब कोई आएगा तब हम वह कार्य करेंगे, फिर जो अंदर से उत्कंठित रहता है, भावना भाने वाला रहता है, वो चला करके खोजता है ऐसे पात्र को और ना मिलने पर अफसोस करता है, दुखी हो जाता है। जैसे मुनि महाराज ना मिले तब तो दुखी हो जाते हैं व्यक्ति, जब आप चौका लगाते हो आहार ना हो तब दुखी हो जाते हैं, और जब चौका ना लगाया हो तब भी दुखी होते हो। हाँ, शुद्ध भोजन नहीं बनाया हो तब भी ये पीड़ा होती है, देखो हम आहार नहीं दे पा रहे, पीड़ा नहीं पैदा होती। अच्छा, नगर में मान लीजिए चतुर्मास में मुनिराज रह रहे हैं, आप लोगों को पीड़ा कब होती है? जब चौका खाली जाता है तब, सुनना जब चौका खाली जाता है तब पीड़ा। अब जब चौका नहीं लगाया, शुद्ध भोजन नहीं बनाया, तब ये पीड़ा हो पाती होती है कि देखो हम अपने घर में नवदा भक्ति नहीं कर रहे हैं। समझना इस बात को, चार मुनिराज है वहां पे और पीड़ा, और उस समय पीड़ा होती जब मुनिराज ही ना हो, देखो कैसा हमारा दुर्भाग्य है कि हमको गुरुओं का सानिध्य नहीं मिल रहा। जिसे भी पीड़ा होती है ना, वो एक दिन भी छोड़ता ही नहीं। क्या नहीं छोड़ता? भक्ति करने के भाव को, क्योंकि श्रावक की भक्ति सबसे बड़ी नवदा भक्ति कहलाती है। आरती उतारने का नाम भक्ति तो बहुत स्थूल परिभाषा, बहुत छोटी परिभाषा, बहुत छोटी। उसकी भक्ति शब्दात्मक नहीं, क्रियात्मक होती है, आचरणात्मक होती है। सबसे बड़ी भक्ति होती है नवदा भक्ति। इस बात को समझना। प्रायः सबको क्या लगता है, हम अर्घ चढ़ा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, वो हमारी भक्ति है। ये तो बहुत छोटी सी भक्ति हो गई। श्रावक की भक्ति तो नौ प्रकार वाली भक्ति होती। अब गुरु महाराज मुनि महाराज भक्ति करेंगे, आचार भक्ति कर लेंगे, आचार भक्ति पढ़ लेंगे, सिद्ध भक्ति पढ़ लेंगे, श्रुत भक्ति पढ़ लेंगे। अब श्रावक कैसे, वो भी मुनि महाराज के साथ आचार भगवान के साथ भक्ति पढ़ लेंगे तो हो जाएगी उसकी भक्ति। क्यों? मुनि की भक्ति कैसी होती है? सुबह दोपहर शाम के क्या करते हैं वो? अच्छा श्री सबर भक्ति पढ़ ना, आचार भक्ति करते हैं, तो पहले सिद्ध भक्ति करते हैं, फिर शुद्ध भक्ति करते हैं, आचार भक्ति पढ़ते हैं। ये तो होगी मुनियों की भक्ति। अब श्रावकों की भक्ति कैसी होगी?
वो भी उन्हीं के साथ आकर के ये पढ़ लें, बताना कैसी भक्ति होगी। अच्छा, प्रभु पतित पावन वाली कौन सी भक्ति पढ़ते, गुरु की कौन सी पढ़ते, गुरु की कौन सी भक्ति पढ़ते आप लोग, गुरु हिंदी में कोई भक्ति होगी ना, पंचमा गुरु भक्ति है। अच्छा, ते गुरु मेरो और बसो जे भव जल्दी जहा जहा, पढ़ ली 2 मिनट 5 मिनट पढ़ी होगी भक्ति। भक्ति इतनी ही नहीं, भक्ति तो बहुत अलग ही प्रकार की होती है। यानी जो श्रावक होता है वो हमेशा दुखी रहता है, पीड़ित रहता है। क्या सोच करके पीड़ित दुखी रहता है कि मुझे सौभाग्य नहीं मिल रहा है, और सौभाग्य मिलने पर वो सोता रहे और फिर गाना गाता रहे मुझे सौभाग्य नहीं मिल रहा है, ये ठीक है क्यों? ठीक है, अभी तो भक्ति की परिभाषा ही गायब हो गई है। अभी सबने संख्याओं पर आधारित करके भक्ति कर ली, 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन खत्म। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यदि गुरु रहते भी हैं तो आप लोगों की भक्ति कितनी, किसी की 4 दिन की, किसी की 3 दिन की, किसी की 1 हफ्ते की, इससे ज्यादा? अब जितने मुनि महाराज हैं उतने, और उसमें 1 हफ्ता एक्स्ट्रा ऐड कर दो, उसके बाद क्या हो जाता है पंडित जी, उसके बाद क्या हो जाता है? अब बंद, अब हमारी भक्ति हो गई पूरी। गलती कहां हो रही, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? भले ही पात्र आए अथवा ना आए, इन्हें वो भक्ति जैसे गुरुओं की भक्ति होती है ना, आचार्य भगवान भक्ति सुबह शाम करते हैं, वो श्रावक बैठ करके पढ़े वो उसका नाम भक्ति है ही नहीं। वो तो शुद्ध रूप से उस वैयावृत्ति को कर रहे हैं। अभी पूछ रहे थे वो वैयावृत्ति कैसे कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछे। तो सबसे ज्यादा वैयावृत्ति तो महिला वर्ग ही करती, सबसे ज्यादा भक्ति तो महिला ही करती है, पुरुष लोग नहीं करते, महिलाएं। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं जो महिलाएं होती हैं वो सवेरे 5 बजे से शुरू हो जाती हैं। आप ही बताओ कितने बजे शुरू हो जाते हो उसी दिन नहीं, उसके पहले एक दिन पहले 2 दिन पहले। कहने के लिए वो भले आधा 1 घंटे की बात है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन बहुत समय पूर्व, और प्रिपरेशन के भी वो भावना, आप सोच रहे हैं कि मुझे कल से शुद्ध भोजन बनाना है, परसों शुद्ध बनाना, तो आपकी भावना 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व शुरू हो गई। यानी जिस दिन गुरु का आगमन होता उसी दिन उसे लाभ नहीं है, उसकी भावना कब से शुरू हो गई है, जब से वो सोच रहा है कि करना है करना है करना है, यानी उसके भाव प्रणाली तब से शुरू हो जाती है। अब जो अंदर ही अंदर भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है तो उसे समागम मिलने पर वह 1 दिन भी नहीं चूकता, 1 दिन भी नहीं चूकेगा। बोले सौभाग्य मिला तो मैं क्यों चूकूं, वो पूरे के पूरे दिन जब तक समागम है तब तक शुरू से लेकर अंत तक वो गिनती पर आधारित नहीं रखता है। 3 हैं कि 8 मुनि महाराज हैं, 8 पिशियाँ हैं, तो अपन 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। आपको कि मारे जी हमें समाज की व्यवस्था है, देखो जिसे भक्ति करना है हम उसकी बात बता रहे हैं, अब जिसे व्यवस्था ही निभाना उसकी बात अलग है। तो आज का श्रावक जो है भक्ति कम कर रहा है, व्यवस्था ज्यादा जमा रहा है, नहीं जमा रहा, भक्ति नहीं कर रहा है, वो व्यवस्था जमाने में लगा हुआ है, और व्यवस्था का नाम भक्ति नहीं होता है। पूजा 4 दिन करते हैं आप मंदिर में, 8 दिन करते हैं जो देव पूजा गुरु उपासती, 8 दिन का आवश्यक है, महीने का, 4 महीने में 8 दिन का आवश्यक है, दीदी बताएंगे कितने दिन का आवश्यक। गुरु उपास्ती जो है महीने में 8 दिन का है कि चतुर्मास में 8 दिन का है कि दिने दिने है? अच्छा प्रतिदिन नहीं, पर सब जगह तो व्यवस्था चलती है ना, 8 दिन की महीने में 8 दिन की गुरु की सेवा, महीने में 8 दिन
चार महीने में आठ दिन, अंतर समझ में आ रहा है कहां कमी रह रही है? नहीं समझ में आ रहा अंतर? बस भीम के साथ यही थी बात। पूर्व भव में भीम हमेशा पीड़ित रहते थे जब कोई मिलता नहीं था, और दूर दूर जा जा करके खोजते थे उस पात्र को कि मैं वैयावृत्ति कर सकूं, सेवा कर सकूं। और उसका परिणाम तो जो तीर्थंकर बने हैं वे कैसे रहे? उस भक्ति को करने वाले हमेशा रहे हैं। जब अरिहंत भगवान की भक्ति की बात आती तो अरिहंत भगवान की भक्ति में स्वरूप में, अरिहंत भगवान की भक्ति तो मंदिर में होगी लेकिन गुरु भक्ति तो मंदिर में नहीं होती। उसके बाद इसमें आचार भक्ति भी आया ना शब्द, तो जब आचार्य की आचार भक्ति होती तभी अपन कर लेते संध्या काल के समय, प्रातः काल के समय। उसका अर्थ नहीं आचार भक्ति लिखे, 16 भावना में आचार भक्ति लिखे, उसका क्या अर्थ है? वो है नहीं, वो मंदिर में होती नहीं। अरहत भक्ति मंदिर में हो सकती है। अरहत भक्ति आप बैठ करके स्तोत्र पढ़ करके कर सकते हो, अरहत भक्ति में वो भाव आप ला सकते हो, लेकिन आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति वो अलग प्रकार से है। जिन्होंने की वो सेवा पूर्ण रूप से करेगा तो वो प्रवचन भक्ति वाला माना जाएगा। आप तो जिनवानी की सेवा नहीं, जिनवानी को फाड़ देते हो, मोड़ देते हो, यहाँ चावल डाल देते हो, यहाँ लौंग फंसा देते हो, और उसको बंद करके ना जीण सीण हो रही है तो हो रही है, क्या चल रहा है? नहीं चल रहा कुछ? क्या समझ में आ रहा है? चलो अपन आगे चले, क्या समझ में आया? महज जिनवानी कैसे बोलेंगे? हाँ, जिनवाणी किसे बोलेंगे? जिनवाणी, जिनवाणी शब्द जो है जिनेंद्र प्रभु की वाणी का नाम जिनवाणी, जो प्रभु के मुख से निकल रही है वो जिनवाणी। जो आगम प्रमाण शास्त्र है उनको बोलेंगे जिनवाणी, है ना, जो प्रभु के मुख से निकली। अब प्रभु के मुख से निकली वाली है जिनवाणी है, पर अभी तो प्रभु है ही नहीं, तो जो उनके मुख से निकला फिर आचार्य भगवंतों ने उसे लिपिबद्ध कर दिया तो उपचार से इसे भी जिनवाणी ही कहा जाएगा। पर मूल रूप से जिनवाणी जो हम साक्षात श्रवण कर रहे हैं वो जिनवाणी कहलाएगी। शब्द के अनुसार यदि हम चले तो जिनवाणी शब्द की व्याख्या क्या होगी, व्युत्पत्ति होगी, जिनसे जो निकली हो वाणी, यानी उपदेश, दिव्य उपदेश, यानी दिव्य ध्वनि कहलाती है जिनवाणी मूल रूप से। तो समावसरण में जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है ना तीनों संध्या काल में, वो वाणी कहलाएगी जिनवाणी। अब तीर्थंकर प्रभु हमेशा नहीं रहेंगे तो उनकी वाणी को फिर वीर हिमाचल तय निकली गुरु गौतम, अब उनकी वाणी को गुरुओं ने झेल लिया, गौतम स्वामी ने झेल लिया। अब झेल करके या तो वो मौखिक उपदेश से उसका प्रचार प्रसार करेंगे अथवा उसे लिपिबद्ध करके शास्त्र में के रूप में लिख दिया गया। तो ये जो शास्त्र हैं ये जिनवाणी नहीं, ये जिनवाणी के संकेत हैं। जो अक्षर हैं लिखे गए हैं ये वाणी के संकेत हैं। जैसे आप कैसेट रिकॉर्डिंग करके रख लेते हैं तो, पर वो मूवी तो नहीं होती है, लेकिन बिना उसके मूवी दिखेगी भी नहीं, बिना उसके सीरियल दिखेगा भी नहीं, बिना उसके आप वो वीडियो देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। तो उसमें स्टोर करके वो रील में अथवा चिप में स्टोर करके रख लिया गया है। तो ऐसे ही जो जिन प्रभु से निकली उसे लिपिबद्ध करके शास्त्र में सुरक्षित कर दिया गया, अथवा आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है उसमें ट्रांसफर कर दिया तो वो भी जिनवाणी कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी जिनवाणी? एक चिप है 1 सेंटीमीटर की, अब उसमें समस्त शास्त्र भरे हुए हैं, शुद्धता नहीं, विशुद्धि नहीं रहती ना, नहीं तो वो जिनवाणी कहलाएगी कि नहीं? तो नहीं कहलाएगी। थोड़ा हमें बताओ, नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? तो फिर ये क्या, ये तो कागजी तो है आचार्यों द्वारा जो लिखित है। अच्छा, तो ये आचार्यों के लिखे की तो प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हुआ। सुनना हमें, भक्ता हमारे स्त्रोत्र तो आचार्य आचार्य मानतुम स्वामी जी ने लिख दिया, पर ये जो आया कहाँ से? प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होकर के आया,
ये जुड़वानी है कि नहीं? नहीं ये तो है कि क्यों ये क्यों है? आचार्य ये आचार्य जी ने कई शब्द हैं उसको अच्छा आचार्य भगवान ने जो लिखे बोले लिखे गए तो आज कोई व्यक्ति उसे पेपर में ना लिख करके एक चिप में स्टोर कर रहा है इतनी सी ये मान लो तो हिणवानी होगी कि नहीं? जब आप मोबाइल खोल रहे हो और मोबाइल में आपने कौन सी साइट आती है जिसमें समस्त शास्त्र आ जाते हैं जैन लाइब्रेरी होती है जैन ई बुक्स आ जाती है अब आपने उसमें भक्तामर सूत्र खोल लिया स्क्रीन में भक्तामर सूत्र का एक श्लोक आ रहा है उस समय वो आपका मोबाइल की जुनवाणी है बताना आपके मोबाइल की स्क्रीन में क्या दिख रहा है भक्तामर प्रणतमावली मणि प्रभाना इस समय ये आपका मोबाइल है कि भक्त की जुनवाणी है क्यों राजेश बताओ बताओ हमें क्या है आपकी स्क्रीन में आपकी हथेली में रखा है आपके पाम में ही रखा है मोबाइल और मोबाइल में क्या दिख रहा है श्लोक नंबर कौन सा चल रहा है अभी 13 हाँ वक्त्रम कहते अब यही श्लोक खुला है क्या है ये मोबाइल की जुनवाणी है क्या है हाँ जी उसमें जितनी हम शुद्धता विशुद्धि इसमें रखते हैं इनके दावों में हाँ। कभी अशुद्ध स्थान में है नहीं ले जाते हैं हाँ। कभी अशुद्ध है हाँ। तो मोबाइल तो मेरा सभी जगह यूज हो रहा है बाथरूम में भी जा रहे हैं तो अब उसको हम जिनवाणी ऐसे कैसे मान लेंगे मोबाइल को हम जिनवाणी कह भी नहीं रहे जिस समय मोबाइल में भक्तामर खुलेगा उस समय अब जिस समय भक्तामर उसमें नहीं खुला उस समय मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है वो सेलफोन है उस समय जिनवाणी नहीं देगा समझे इस बात को खुला हुआ जो है पेज नंबर वो दिखा रहा है शो कर रहा है इस समय जुनवाणी है बाकी समय जुनवाणी नहीं है वो उस समय कहाँ जुनवाणी हो गई अब आपने फिर भक्तामर स्त्रोत पूरा हुआ क्लास खत्म हो गई अब आप मूवी देखने लगे वेब सीरीज देखने लगे मान लो अब क्या हो गई वो कुछ पिक्चर देखने लगे कोई सीरियल देखने लगे उस समय क्या हो गया न्यूज सुनने लगे आप अब क्या हो गया जुनवाणी है नहीं। क्या हो रहा है इस समय मोबाइल है मोबाइल है वो तो मल्टीपर्पज है यानी जिस समय जो उपयोग किया जाएगा उस समय वो बन जाएगा उसमें क्या बात है कोई व्यक्ति कॉलिंग करने के लिए कर रहा है तो उस समय फोन बन जाएगा न्यूज देखने के लिए चल रहा है कब का तो उस समय वो टीवी बन जाएगी और आप भक्तामर स्त्रोत पढ़ रहे हैं उस समय जिनवाणी की क्लास हो जाएगी हाँ बिल्कुल माथे में लगाइए उसको तो नमस्कार भी करो अर्घ भी चढ़ा दो कोई बात नहीं चढ़ा सकते उस समय हाँ खोल खुला हुआ है पृष्ठ जैसे इसको चढ़ा रहे हैं अर्घ चढ़ाते हो कि नहीं मंदिर में रखी जिनवाणी को आप क्या बोलते हो रत्नम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः बोल करके चढ़ाते हो मान लीजिए जिनवाणी में सठखंडा का वो ग्रंथ खुल गया है उसमें ना मोबाइल में सठखंडा में खुल गया तो जिनवाणी होगी कि नहीं वो यदि वो पेज खुला है तो आप अर्घ चढ़ा लो कोई बाधा नहीं क्या बाधा है उसमें बाधा क्या अच्छा ये बाधा है कि उसको मोबाइल को भोजनशाला में भी ले जाते हैं स्नान गृह में भी ले जाते हैं ये बाबा इस कारण उसे इस प्रकार से यूज करें कैसे यूज करें फिर उसे पॉकेट में रख लिए फिर नीचे वाले पॉकेट में रख लिए क्या हो रहा है सोर सूतक नहीं लगा वो खुलेगा तो आप खोल करके नहीं पढ़ सकते जैसे आप इसे नहीं छू सकते उस समय इसको कैसे छू सकते हो नहीं छू सकते उस समय नहीं छू सकते सोतक के समय आप सोचो कि आप वो खोल करके स्वाद पढ़ लो भक्तामर हाँ हम बोलिए बोलिए सभी का प्रश्न था हाँ क्या प्रश्न है सभी मतलब सोर्सो तक आदि में मोबाइल्स का प्रयोग कर लेते थे मंदिर नहीं जाते जिनवाणी नहीं छूते अच्छा लेकिन इसको मोबाइल से सारा काम कर लेते हैं कक्षा भी अटेंड करते हैं परीक्षा भी देते हैं और तो उस समय तो जुर्माना हो जाएगी उस समय कैसे दे सकते हैं इसीलिए आपको ये नहीं दे सकते यदि आपका शरीर शुद्ध नहीं है उस अवस्था में तो नहीं छू सकते आप नहीं खोल सकते उस समय मोबाइल थोड़ी रह जाएगा वो उस समय तो जुर्माना बन गई हमारे यहाँ कागज से जुर्माना नहीं है इंस्ट्रूमेंट से जुर्माना नहीं है अपने यहाँ नाम स्थापना द्रव्य और भाव चार प्रकार के निक्षेप कथन आता है भाव निक्षेप वह कहलाता है उस पर्याय से सहित उस भाव से सहित वर्तमान में जो पर्याय से सहित है वो कहलाएगा भाव निक्षेप यानी जैसे राजकुमार को राजा कहना ये द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा
लेकिन जिस समय वो राजपथ पर आसीन हो चुका है उस समय से राजा कहना, जैसे डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर में है तो आप बोल देते हैं डॉक्टर है, ये द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा ठीक है, लेकिन भाव निक्षेप की अपेक्षा डॉक्टर कब कहलाएगा, जब उसको MBBS की डिग्री मिल जाएगी उस समय वो डॉक्टर कहलाएगा। तो ऐसे ही जिस समय आपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखा है तो मोबाइल है, लेकिन उस समय जिस समय वो उसमें जिनवाणी खुल गई है, वक्तामर खुल गया तो जिनवाणी बन गई, फिर उसे कैसे छुएंगे? फिर जिनको नहीं आता कुछ जिनवाणी का सहारा लेकर करते हैं तो क्या वो 10 दिन तक के अपने धर्म ध्यान को नहीं तो दूसरों से खुलवा लो ना, सुन सकते हो आप, दूसरे से खुलवा लो, दूसरे से ऑन करा लो, वही स्विच ऑफ कर दे। जैसे पड़ोस में कोई जिनवाणी खोल करके पूजा कर रहा है तो आप देख सकते हो कि नहीं, सूतक में नहीं देख सकते ना, तो ऐसे ही सूतक में कोई आपके मोबाइल में वो खोल कर रख दे तो आप पढ़ भी सकते हो, बस स्वयं नहीं छुओगे उसे, स्वयं टच नहीं करोगे, देख सकते, देने देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ लाइव भी देख सकते आप, तो सूतक में लाइव भी अटेंड नहीं कर सकते ना, क्लास तो नहीं कर सकते, मंदिर में जा सकते कि नहीं सोर सूतक में? हाँ, बस प्रभु को आप नहीं छुओगे, उस सामग्री को नहीं छुओगे, लेकिन भाव पूजा सब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ऐसे ही उस समय भी करना है।